अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो इन रिम्स के साथ हमारी आखिरी वीडियो थी उन रिम्स के साथ। अभी मैंने रिम्स ऐसे चेंज कर लिए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नए रिम्स कौन से लिए मैंने और मुझे रिम्स क्यों चेंज करने पड़े। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये नए रिम्स चेक कर लें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रिम्स कैसे लगे। ये आप रिम्स देख सकते हैं, ये रिम्स लगवाए हैं मैंने, ठीक है, और ये चीपेस्ट ऑप्शन थी जो मुझे मिल सकी थी। ये यूज रिम्स ही हैं, बीजल से उतरे में और जैपनीज रिम्स हैं। 7.5 जे जे वेट थे इनकी, जो पिछले थे वो मेरे 9 स्टैगर्ड थे, पिछले 9 थे, अगले 8 थे, लेकिन ये भी डिसेंट हैं। बहुत कोई फिटमेंट बहुत मज़े की नहीं है, लेकिन वैसे लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आती है। लेकिन ये थोड़े से डार्क रिम्स हैं, ब्लैक रिम से मेरा दिल भर गया क्योंकि मैंने 2-3 साल लगातार ब्लैक इस्तेमाल किए हैं, तो वैसे ये ब्लैक नहीं है। ये गन मेटालिक कलर है जो सिविक एक्स फेसलिफ्ट में आते हैं, जो 2019 मॉडल से जो ऊपर था उसमें आपने देखा होगा, जो 16 इंच रिम्स होते हैं फेसलिफ्ट गन मेटालिक कलर होता है, सेम वही कलर है और ब्लैक नहीं है। अगर फुल ब्लैक होते तो मैंने तो ऑब्वियसली ये लेना ही था, मैं सब वो लगा लेता, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। इनको मैं सिल्वर पेंट कर सकता हूँ, मैंने पिछले भी किए थे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मैंने चाहे थे, उनको मैं सिल्वर पेंट कर गया था, लेकिन उनको मैंने लॉन्ग टर्म नहीं रखना। इंशाल्लाह जब भी आगे थोड़ा बजट बनेगा तो हम नए रिम्स लेंगे, थोड़े से वाइड रिम्स लेंगे, क्योंकि इनके साथ तो फिटमेंट ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 7.5 जे जे ना बहुत ही कम है। आप देखो ना, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, काफ़ी है ना ज़्यादा अंदर रिम है, तो मज़ा नहीं आता इनके साथ जो है ना। पीछे से भी ना जो पीछे रिम्स थे उनके साथ बहुत ही वाइड लुक आती थी, बड़े मज़े की लुक आती है, लेकिन इन रिम्स के साथ जो है ना बस यही है सेफ प्ले के लिए आप इसको डेड ड्रॉप कर लें। मैं तो खैर डेड ड्रॉप नहीं करनी होती, मुझे वाइड रिम्स कुछ नहीं करता अनलेस वो बस फेंडर को ना टच कर रहा हो, बाकी और कोई मसला नहीं होता। जो पिछले रिम्स हैं ना यार वो तो बहुत कमाल थे, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूँगा, जब स्पेशली जब ज़्यादा बंदे बैठते हैं ना, 3-4 बंदे बैठते हैं ना, तो ये गाड़ी पीछे ड्रॉप हो जाती है, तो वो रिम जो है ना परफेक्टली टक्ड इन हो जाता है, तो बड़ी फिट लुक आती है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त जेना स्की लुक बनती है। तो उन रिम्स को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, और मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट रिम्स थे, बहुत ना यूनिक रिम्स थे, तो काफ़ी चौड़े थे और ऊपर से स्टैगर्ड भी थे, तो पहले मेरे स्टैगर्ड जो है ना वैसे ही आपको अगर कभी आपने इस्तेमाल नहीं किए ना तो स्टैगर्ड रिम्स ना वैसे ही लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, तो मैंने भी जब तकरीबन 1.5 साल पहले लिए थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे वो, तब वो ब्लैक कलर में थे, 1 साल मैंने उनको ब्लैक में चलाया, फिर उसके बाद मैंने उनको पेंट सिल्वर में कर दिया था, और सिल्वर में जो उनकी लुक बनी थी माशाल्लाह। और बस मैं अभी उनको बताता हूँ क्या मसला क्या हुआ है। असल मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ हुआ क्या था। लास्ट वीडियो में जब मैं गाड़ी का काम कराने गया था ना, तो मुझे जब मैंने रिम्स खोले थे ब्रेक सर्विस के लिए, तो मैकेनिक ने मुझे चेक दिखाया था कि यहाँ से देखा हल्का सा क्रैक हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्रैक कहाँ से हो रहा था। वो रिम्स तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास ये इसके ओरिजिनल रिम देखे हैं, मैं उसको यहाँ से आपको बताया था। वो जो रिम है ना बिल्कुल ये वाली जगह से नट के बिल्कुल साथ, जहाँ पर नट लगते हैं ना, जैसे आया था ये यहाँ से क्रैक हो रहा था। ये एक मैंने वीडियो बनाई थी एक भाई को भेजनी थी, तो इसमें आप देख सकते हो एक ये क्रैक है, सेम इस साइड पे जो है ना ये छोटा थोड़ा सा बड़ा क्रैक है, इसके ऊपर उंगली फेरो ना आपको फील होता है कि यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ था। सेम जो है ना ये तीसरी साइड पे तीसरे नट के सामने भी देख लो, तो यहाँ पे ना ये ब्लैक के ऊपर देखो अच्छा खासा बड़ा क्रैक है। तो मैं तो पहले समझा कि पेंट क्रैक हो रहा है, पेंट मैंने खुद ही किया है, तो मैंने कहा कि हो सकता है मैंने पेंट नहीं ठीक किया हो या सही तरह बैठा ना हो, तो हो सकता है पेंट क्रैक हो रहा हो, लेकिन नहीं, वो जो है जब मैंने चेक किया तो हर नट से जहाँ जहाँ पर नट लगा हुआ था उसके बाहर वाली साइड से क्रैक हो रहे थे,
और अगले दोनों रिम्स, पीछे वाले तो कोई मसला नहीं था लेकिन अगले दोनों रिम्स क्रैक हो रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं लगी क्या मसला है, कैसे हो सकता है। मैंने फिर दो तीन जगह पे पता किया, इंटरनेट पे सर्च किया, जिनसे रिम्स दिए थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कुछ बंदे रेफर किया जो रिम्स रिपेयर करते हैं, मैं उनके पास गया, उनको मैंने दिखाया, वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में उनके जो भी जो रिम रिपेयर करता है पता नहीं कब से काम कर रहा है, 10-15 सालों से काम कर रहा है, उसने मुझे बोला कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा रिम नहीं देखा जो यहाँ से क्रैक हो रहा। और फिर उसने बोला कि अगर आप इसको, ये रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन रिस्क ही है। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पता चल गया, क्योंकि मैं ब्रेक सर्विस ना हो जाता मैं तो कभी नहीं देखना, आप तो कभी नहीं चेक करते होंगे कि रिम जो यहाँ से क्रैक हो रहा है, मतलब रिम के पीछे कौन देखता है, और स्पेशली मतलब अब देखें ना उसमें तो नज़र आ रहा था, जैसे ये रिम्स हैं ये तो इसके पीछे तो नज़र ही नहीं आना कुछ भी, ठीक है। जैसे ये है ना यहाँ पर तो खैर फिल नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि आप यूजली नहीं चेक करते कि पीछे रिम्स के क्या हो रहा है, क्या कैसे पता चल रहा है। बाई चांस अल्लाह का शुक्र है टाइम से पता चल गया, कोई बड़े नुकसान से बच गए हम। और फिर मैंने वो देखे, ये रिम्स ले लिए थे, कोई डील काफ़ी स्क्रैप में पड़े, मुझे जितने कॉस्ट किए थे ना उसकी आधी प्राइस में भी नहीं वो निकले, मतलब आप ये कह लो कि सिर्फ उसने, उस बंदे ने ये कहा था कि ये सिर्फ वजन के हिसाब से उसने किया, तो टोटल देना 36 kg, 8 kg, उसने वजन भी किया था, 8 kg का फ्रंट रिम्स थे और बैक रिम्स है 1 kg बड़े थे, क्योंकि पीछे 9 जगह थे अगले 8 जगह, तो एक मिनट 1 kg का फ़र्क था। तो ये सीन था उनका, और वो एक मिनट 35-36 kg के हिसाब से ना वो वज़न के हिसाब से हमें स्क्रैप करने पड़े थे, एकमन 25,000 बनते हैं, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, इतने में वो लेस हुए थे। बाकी फिर ये चीपेस्ट ऑप्शन यही मुझे मिली थी, मैंने ये लगा लिया टेम्प्रेरी तौर पर, इनको वैसे मैं सिल्वर पेंट कर सकता हूँ लेकिन मैं लॉन्ग टर्म नहीं चलाना, कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे, तो इसलिए जो है मैं इसको इन्हीं कलर में चलाऊंगा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था रिम्स की वजह से, और क्योंकि एक हफ्ता तो गाड़ी वैसे ही खड़ी रही जब मैं काम करवा के आया था उसका ब्रेक सर्विस वगैरह का मैकेनिक से, तो एक हफ्ता तो रिम्स ऐसी गाड़ी ऐसी खड़ी रही है। उसके बाद फिर मैंने सर्च वगैरह किया, जाके मैंने चेक किए, रिम्स ढूंढे, 2-3 दिन तो मुझे रिम्स ढूंढने में लगे, फिर ये रिम्स सबसे सस्ते लगे थे तो फिर ये मैंने लगा लिया। और बस जब मैं लगाने गया तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा वो मैं आपको व्लॉग में डाल दूंगा, तो वो मैं आप लोगों को अभी वो भी इस वीडियो में डाल देता हूँ, आप वो देख कर आएँ। ये जब मैंने रिम्स फाइनल कर लिए थे ना, उसके बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जब रिम्स चेंज हो रहे थे, बाकी आप इनकी लुक चेक करो, माशाल्लाह मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे ये रिम्स, लेकिन खैर चलो आप इनकी मतलब शेप चेक करो ना, बिल्कुल परफेक्टली, मतलब बॉडी के साथ रिबर्थ की मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा कम है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी फिटमेंट बनती थी इनके साथ। पिछले रिम के साथ कंपेयर करें तो देखे वो 9 JJ है और नियर 7.5 JJ, मतलब विड्थ में काफ़ी ज़्यादा फर्क था, लेकिन ठीक है उस हिसाब से लुक जो है बहुत अच्छी फिटमेंट नहीं लेकिन अच्छी आई है। ये सेंटर कैप्स हैं, ये इसके अपने नहीं है, इमोशन आर के वो बस उसके पास मिले थे तो मैंने लगा लिए, ये इसके जाके जैसे हमने पिछले के बनवाए थे ना कस्टम, वैसे ही हमने इसके भी बनवाने हैं कस्टम जो है ना, ये इनके साथ तो बिल्कुल ही, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली बीच में से गए थे, और इसके पीछे ना यहाँ पे वो होता है एक्सल का नट होता है, तो वो जंग जंग से जैसे नीचे लगा होता है ना, जंग जंग से होता है, तो वो बड़ा अजीब गंदा लग रहा, तो फिर मुझे ये लगाने पड़े टेम्परेरी तौर पर, लेकिन हम इसको जाके ना इंशाल्लाह नई चेंज करेंगे अगली वीडियो में, इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर होगी, और फिर बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Yeah.